नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं अंबेडकर जिला में राजे सुल्तानपुर थाना अंतर्गत क्या राजे सुल्तानपुर मार्केट में ही उपस्थित हूँ। शहीद भगवान सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहीद भगवान सिंह देश के लिए बलिदान हो गए हैं, उनके घर को यही रास्ता जाता है जो कि एक गेट बना हुआ है। यहाँ पे जग हुआ था पहले, यहाँ से मात्र लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उनका पैतृक गांव आएगा। तो ये मार्केट बिल्कुल उनके गांव के करीब का है, तो यह मार्केट आज पूरा उनके सम्मान में पूरा मार्केट बंद है। 2 बजे से, लगभग 2 बजे के बाद जो है सभी लोग उनके सम्मान में मार्केट को पूरा दुकानें अपने बंद कर दिए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शहीद भगवान सिंह उनका पार्थिव शव कब आएगा ताकि एक दर्शन कर लें जिन्होंने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी लगा दी। यहाँ पे माता जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और कुछ लोग उधर से देखिए देख रहे हैं। सभी लोग इंतज़ार में हैं कि कब उनका पार्थिव शव आएगा। चाचा जी हैं, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। हाँ सर, स्वागत है। क्या नाम है चाचा जी? बहुत राम शंकर। क्या नाम है? राम शंकर मोर। अच्छा, शहीद भगवान सिंह को आप जानते थे? खूब अच्छी तरह जानते थे। पासी के उनका घर? बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ठीक। उनके बारे में क्या क्या आप जानते हैं? अरे बहुत कुछ जानते हैं। अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे। आते थे यहाँ, सबसे मिलते, मालूम नहीं होता था कि बाहरी है कि अफसर हैं। हाँ यही सब है। उनके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ हमारे दोस्त थे महेंद्र सिंह। अभी दुकानें सभी मार्केट के बंद किए हैं उनके, सभी उन्हीं सम्मान में बंद। सभी जनता कल है परसों से उनका इंतजार कर रही हूँ। हाँ सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। माता जी आपका क्या नाम था? फूलमती। आप उनके देखले रहनी है? जी देखले रहनी है बहुत। तो नहीं देखले मालूम बैठल है नहीं तो हमारे बैठे की शक्ति ना है। खाली होने के देखले मालूम हम यहाँ बैठल है आज। हाँ देखिए, मतलब एक शहीद को दीदार के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। कुछ चाचा जी लोग इधर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये लोग भी उन्हीं के इंतज़ार में हैं, दुकानें बंद किए हुए हैं, नहीं तो यहाँ तक पूरा भीड़ होती थी। आइए इधर से। आपका राम दवर बाबू, राम दवर। अच्छा, अभी का भयल है कुछ मालूम है आपके? जहाँ भयल बाबू भगवान सिंह रहने हैं तो वह कारण बोल कि यहाँ काश्मीर का बोला ला जम्मू काशी में बाबू बम से मर गए ने। हाँ तो उनका राज पार्थिव शव आवत है? हाँ पार्थिव उनका आवत है बाबू, उन्हीं के इंतजार में। उन्हीं के इंतजार में हमारे लोग हैं बाबू। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से कितना दूरी बा उनका? यहाँ से बस एक ग्राम सभा एक ही है। अच्छा। एक ही ग्राम सभा 1 किलोमीटर बस। हाँ बाबू आपको लगा था दुकानों रहा? हाँ एक आध दुकान बाबू, दुकान बंद करी थी। हाँ हाँ दुकान बंद करी। आपका माता जी का नाम? रामा देवी। अच्छा, आप देखले रहनी है उनके? नहीं हम लोगन का जानी। अच्छा। देखल ना घर द्वार जानल जात है। अच्छा। पहचान में हम बस आप लोग इंतजार में कि उनका। हाँ उनके अगोरल जात है हरदम बराबर आके बैठे हमारे लोगन की। हाँ उनके भाई बहन से आयल है थोड़ी देर भैल है। हाँ जैसे सबके मन चिंता हुए, तकलीफ है सबके, बहुत सज्जन आदमी रहना है। अब चल गए दुनिया छोड़। गर्व की बात है कि देश खातिर इस क्षेत्र का पहला खातिर बाबू क्षेत्र खातिर। हाँ क्षेत्र का पहला व्यक्ति इधर का कि आज़ादी के बाद जो है देश के लिए बलिदान हुए हैं और उन्हीं की शहादत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शव कब आएगा और हम लोग एक नज़र उनका दर्शन करें। आगे चौराहा है, चौराहा पे भी हम चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे कि दुकानों की क्या स्थिति है, जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। दुकानें अपनी बंद करके उनके सम्मान के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शव आए और उनसे एक दीदार हो जाए, श्रद्धांजलि अर्पित करें। और ये लोग शाम तक घाट तक जाएंगे, उनका अंतिम सलामी तक जो है सम्मान में खड़े रहेंगे। यहाँ पे और लोग कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनके बारे में क्या जानते हैं। हाँ सर, क्या नाम है बंदी? राधेश्याम मोर्च। अच्छा, ये पूरा मार्केट अभी बंद हो गया है इस समय? जी सर, देख रहे हैं आप। जी क्यों बंद हुआ है कुछ मालूम है आपको? चूँकि हमारे ही गांव के निवासी भगवान सिंह सूबेदार फौज में जो रहते थे, अब उनके इस निधन पर हम संवेदना प्रकट करने के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद रखे हैं। जी और कब तक उनका आने का तो समाना भी 3-4 बजे तक पार्थिव शव आ जाएगा? अब देखिए, अब आप ही लोग जितना जानेंगे उतना तो हम नहीं जानेंगे, आप बताएंगे कब तक आप आएंगे। अच्छा, आप उनसे मिले थे कि नहीं कभी? अरे क्यों नहीं, जब हमारे गांव के हैं तो हम मिलेंगे नहीं? जब हमारे ही गांव के हैं
तो मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जो देश के लिए बलिदान हुए? जी जी जी। देखिए, आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं, और आज़ाद के समय जो है उस समय इसी गांव के एक क्या नाम था उनका, एक आज़ाद जब देश आज़ाद कराए थे उस समय शहीदा सिंह बसुधा सिंह उनकी क्या कहानी है सर? अरे, देश आज़ाद में उन्होंने अपना योगदान दिया था जी। उन्होंने देश को आज़ाद किया। इनके पड़ोस इनके जो बाबा लगते थे जमुना सिंह, क्या नाम था ऐसे याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, इनके दामोदर सिंह के पिता लगते थे वो, उनके लड़के ये, उनके ये पोता हैं, वो भी इसी तरह से बलिदान हुए थे। अच्छा, इन्हीं के परिवार से वो जी, भी जी जी जी। को दुख है और दुख दुकानें बंद करके प्रकट कर रहे हैं अपना, और इसके साथ साथ गर्व भी है। तो उनके शहादत में सभी लोग उनके पार्थिव शव का इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शव आए और एक दीदार किया जाए उस देशभक्त का जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी अपने देश की सुरक्षा करते करते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।